Assalamualaikum everyone, this is Azam from Technical for You YouTube channel. दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन एक छोटी सी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन अक्सर ये होता है कि जब भी हम अपने बच्चों को या फिर किसी को कार्टून्स लगा के देते हैं या फिर खुद अक्सर बैठ के मूवीज़ देख रहे होते हैं तो बार बार हमसे गलत टच हो जाता है जिसकी वजह से हमारी मूवी आगे पीछे हो जाती है या फिर बैग चली जाती है। तो इस तरह से आपको टच करने से कई मसले बन जाते हैं या फिर अगर आपका मोबाइल आप पॉकेट में रख लेते हैं तो रैंडमली किसी को कॉल हो जाती है जिसको आपने आखिर में की होती है, मतलब उसका टच वर्क करने लग जाता है जिसम के साथ लगने के बाद या फिर किसी तरीके से। तो आप इस टच को किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं उतनी देर तक जितनी देर तक आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो उससे बहुत सी सिंपल सी वीडियो छोटी सी एप्लीकेशन के जरिए आप ये कर पाएंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी दबा दें। से होगा कि जब मैं फ्यूचर में नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप चले जाएं गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में चले जाने के बाद आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जिसका नेम है टच डिसेबल। नीचे इसका जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर इस एप्लीकेशन की इस तरह की एप्लीकेशन है आपने इसको डाउनलोड कर लें। छोटी सी एप्लीकेशन है, मैंने इसको पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर कोई इसकी ज़्यादा सेटिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर आपकी जो नोटिफिकेशन बार है वहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। आपने इस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सारी परमिशन दे देने के बाद वापस चले जाना है और उसको आपने नोटिफिकेशन बार को नीचे खींच कर ऊपर लिखा आ रहा है टच टू डिसेबल। आपने जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसके बाद आपका टच जो है वर्क नहीं करेगा। पूरी स्क्रीन पर हाथ लगा के देख लें, जब उसके बाद दोबारा आप उसको नीचे से ऊपर करके दोबारा बंद करेंगे तो ये दोबारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आज छोटी सी वीडियो सी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाए। दोस्तों उम्मीद कर दो आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।